देखिए मस्जिदें मुसलमानों की जलाई गई है, मदरसे मुसलमानों के तोड़े गए, कुरान पाक मुसलमानों के जलाए गए। सही कह रहे हैं आप, से बीजेपी को और आरएसएस को दूसरी जगहों पे मुसलमानों को मरवा के एस्टेब्लिश करना है, जो जाके उनके चरणों में गिरे रहते हैं, कभी मोहन भागवत जी के, कभी अमित शाह जी के। इतना बड़ा दंगा हुआ उसके बाद भी फिर भी बेशर्मी से अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं अमित शाह जी खुद। ये उल्टा नैरेटिव किसने तैयार किया? वहां के लोकल प्रशासनिक अधिकारियों ने। बजरंग दल के कार्यकर्ता आतंकवादी गतिविधियों में ट्रेन कार्यकर्ता जो थे। नीतीश कुमार जी क्या खुद अपना चुनाव हारने की कोशिश करेंगे? तेजस्वी यादव क्या अपना चुनाव हारने की कोशिश करेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए वहां पे? सरासर झूठ है। यही उस साजिश का हिस्सा है जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हर जगह एक ही फॉर्मूला अपनाती है, एक ही तरीका अपनाती है। इसका उल्टा हुआ, इसका 100% उल्टा हुआ है। हमारे पास सारे सबूत मौजूद है सर। लेकिन कहा जाता है कि वो लोग पहले से प्लानिंग कर रखे थे, मस्जिद की तरफ से ही पत्थरबाजी की गई। सरासर झूठ बता तो रहा हूँ मैं ये, और ये कोई बात नहीं बोलेगा। वो लोग करने आए थे, अमित शाह जी एक दिन बाद आए उसके, वो सब प्री प्लान था। ये सब प्री प्लान है और हम इसमें इसको अदालत में साबित करेंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार साथ देगी तो ये काम चुटकी बजाते हो जाएगा, वरना इस काम में मुश्किल आएगी। जैसे तो हम अमित शाह जी की के कंट्रोल में जो पुलिस है उसके खिलाफ भी काम कर रहे हैं, उनकी सरकारों के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी अपनी बात जो सच्चाई है वो साबित कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार अगर मदद करेगी तो ये तुरंत साबित हो जाएगा कि कौन लोग आए थे, कौन लोग प्लानिंग करके आए थे, कौन उसके प्रशासनिक अधिकारी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने की जो कार्रवाई होती है ना, एक सभी सरकारों में होती है, उनके सीनियर्स भी हर एक की लॉबी होती है, वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं अपनी छवि बचाने के लिए, कि भाई हमारी पूरी सरकार की छवि खराब हो जाएगी अगर प्रशासनिक अधिकारियों की ये कार्रवाई पता लग गई कि उन्होंने ही दंगा कराया है या उन्होंने ही हमला कराया, उसमें बजरंग दल की मदद की है, तो उससे हमारी सरकार की छवि खराब हो जाएगी। इस वजह से भी बहुत सारी सरकारें जो हैं इससे डरती हैं, लेकिन असर इससे उल्टा हो रहा है। ये सारा नैरेटिव ही उल्टा झूठा क्रिएट किया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने हमला किया, ऐसा नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ, झूठ है। लेकिन सर अमित शाह देश के गृह मंत्री है, उसके बाद वो हिंसा होती है, वहाँ जाते हो कहते हैं हमारी सरकार बना दो, हम दंगाइयों को मजा चखा देंगे, उल्टा लटका देंगे। मैंने वही कहा ना, पहले एक झूठा नैरेटिव तैयार किया कि मुसलमानों ने दंगा किया, अब उन दंगाइयों को उल्टा लटकाने की बात आके कौन कर रहा है? अमित शाह जी खुद। ये उल्टा नैरेटिव किसने तैयार किया? वहाँ के लोकल प्रशासनिक अधिकारियों ने। ये है साजिश। तो किसको फायदा पहुँचाया? अगर नैरेटिव जो सच्चा था वही रहता कि जो जलूस में शामिल लोग थे वो तो हर साल निकलता, किसी ने कुछ नहीं किया। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता आतंकवादी गतिविधियों में ट्रेन कार्यकर्ता जो थे, उन्होंने ही तो किया है, वो मुट्ठी भरते पूरे जलूस ने कुछ नहीं किया, जो प्रोसेशन जा रहा था कुछ नहीं किया उसने, मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं ने किया, उनको एक्सपोज करने के लिए कोई काम नहीं किया प्रशासनिक अधिकारियों ने, उससे उल्टा नैरेटिव तैयार किया। सर, हमारे पास सर सबूत। आप बोलते सर, आप बोलते ऐसे रहे कि जैसे कि अमित शाह ने करवाया है वहाँ पर हिंसा, जैसे कि तेजस्वी यादव और जो है नीतीश कुमार तो बिल्कुल वो दूध के धुले हैं। नहीं देखिए, लॉजिक सीएम कौन है बिहार का? मैं आपसे लॉजिक की बात कर रहा हूँ जी। अमित शाह जी को पैर रखने की जगह मिल गई ना, वरना बिहार में वो इस तरह की बात अपनी कोई भी पॉलिटिकल जमीन तलाश करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो मौका नहीं फराम किया, मौका अब मैं यही कह रहा हूँ ना, यही लॉजिक है। नीतीश कुमार जी क्या खुद अपना चुनाव हारने की कोशिश करेंगे? तेजस्वी यादव क्या अपना चुनाव हारने की कोशिश करेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए वहाँ पे, ये साबित हो जाए कि मुसलमानों ने हमला किया? नहीं करेंगे ना, उनका तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर वो ये दिखाने में, जो सच्चाई भी है, सच्चाई दिखाने में कामयाब हो जाएं कि ये ना जो धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे उनकी कोई गलती है, ना जो वहाँ पे मुस्लिम समुदाय रहता है उसकी कोई गलती है, ये मुट्ठी भर लोग थे कुछ जो उनके ट्रेंड आतंकवादी थे, उनकी गलती है, उन्होंने जानबूझ के किया ताकि अमित शाह जी उसके तुरंत बता जाते हैं। तो आप दो और दो चार नहीं कर पा रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल साफ साबित हो जाएगा कि ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन सर, पिस्ता तो मुसलमान ही है ना, चाहे इधर इधर वाले ले ले या उधर वाले ले ले, भाजपा वाले हिंदुओं को खुश करने में लगे हुए है, और वो जो हिंदुओं को खुश करने में लगे हुए, बीच में पिस्ता मुसलमान ही है जो अभी पिसा है बिहार में और अन्य राज्यों में भी। देखिए क्या होता है, पिस्ते कौन है? बेगुनाह, क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं उनकी तो मदद ही ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी कर रहे होते हैं ना, जो मुट्ठी भर खुद भी अपने आप भी मुट्ठी भर होते हैं। सलमान जाए तो कहाँ जाए, ये बताइए, सब हिंदू संविधान नहीं, आप समझ ही नहीं रहे बात। एससी एसटी और माइनॉरिटीज का एक जैसा हाल है सब जगह,
ओबीसी के साथ दूसरी तरीके से नुकसान कर रही है मनुवादी मानसिकता, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के साथ एक तरीके का नुकसान हुआ, एसटी वाले का नुकसान हुआ, एससी वाले का नुकसान हुआ, बिहार में दलितों का हुआ है, मुसलमानों का हुआ है। देखिए मस्जिदें मुसलमानों की जलाई गई है, मदरसे मुसलमानों के तोड़े गए, कुरान पाक मुसलमानों के जलाए गए, 4000 से अधिक मुसलमानों के। सही कह रहे हैं आप, ये है जो आपको अभी का नुकसान नजर आ रहा है, जो नंगी आंखों से बिल्कुल आमने सामने नजर आ रहा है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, गुजरात में एक बीजेपी की सरकार, मैं जवाब दे लूं, आप देखिए ना अभी उत्तर प्रदेश में क्या किया, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जगहें थी अब उसको डीएम से, उसको खरीदने के लिए डीएम से परमिशन की जरूरत नहीं है। किसका नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ अल्टीमेटली, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, जो रिजर्वेशन की नौकरियों में रिजर्वेशन की हालत है, किसका नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की हर जगह सरकारें आ रही हैं, ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन दे दी, किसका नुकसान हुआ है। आप ये सच्चाई है जिसको आपको समझना पड़ेगा, वो इसी नुकसान को मुसलमानों के करके वो बड़ा नुकसान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को पहुंचा रहे हैं, बाकी माइनॉरिटीज़ को पहुंचा रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और मुस्लिम कम्युनिटी क्योंकि एक समझदार कम्युनिटी है, इतने सालों तक उसके धर्म के मानने वाले देश पे राज किए हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनको समझ में आता है, तो उनको सब्र और तहम्मुल और दूसरे लोगों को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, वरना मुसलमानों से ज्यादा। मेरा एक सवाल है सर कि 4-5 हज़ार से ज्यादा कुरान जलाया गया है, कुरान पाक जो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है, और पूरा सिस्टम खामोश है, आप एक वकील है किस तरह देख रहे हैं इन बातों को, वो सिस्टम कौन खामोश है, पूरा सिस्टम चाहे सेकुलर या सेकुलर पार्टियां ही क्यों ना हो, पूरा सिस्टम। मैं बताता हूं आपको कौन सा सिस्टम खामोश है, जो हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं मुस्लिम तंजीमें उनके हेड खामोश हैं, जो मिलने जाते हैं किससे, उन्हीं अमित शाह जी से, जिन्होंने जाके उल्टे लटकाने की बात की, जिन्होंने सारा नैरेटिव तय किया ताकि वो उनसे आगे की सलाह लेके आ सके कि आगे किस तरीके से बीजेपी को और आरएसएस को दूसरी जगहों पे मुसलमानों को मरवा के एस्टेब्लिश करना है। तो अब जो सेकुलर पार्टीज के जो नेता हैं उनकी क्या गलती है, वो मुसलमानों की लीडरशिप किसको मानते हैं, इन्हीं आरएसएस के दलालों को, जो मुट्ठी भर हैं खुद 100-200 ही तो हैं सारे, जो जाके उनके चरणों में गिरे रहते हैं, कभी मोहन भागवत जी के, कभी अमित शाह जी के, इतना बड़ा दंगा हुआ उसके बाद भी फिर भी बेशर्मी से अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें आगे की इंस्ट्रक्शंस लेनी है, ये हैं। तो मैं सेकुलर पार्टीज के नेताओं से भी गुजारिश करूंगा कि इन जो मुट्ठी भर जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप है ना धार्मिक, उससे बात करना बंद कर दें, वो आरएसएस के एजेंट्स हैं, अपने आप जो नई क़यादत है ना, जो यंगस्टर्स हैं, जो नई क़यादत है मुसलमानों की भी, उससे बात करें, क्योंकि वो है असली क़यादत, ये लोग नहीं। सर आप नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो मिल्ली तंजीमें हैं वो जख्म पे मरहम का काम कर रही है, जा करके आप उनको निशाना बना रहे हैं, वो कह रहे हैं दलाल है वो, तो इस तरह की बातें। महमूद मदनी अमित शाह जी से मलहम लेने गए थे जी, आप बता दीजिए मलम लेने गए थे या कुछ जहर लेने गए होंगे, ना वो उनके अंदरूनी मामला है। ये अंदरूनी मामला, मैं भी तो अंदरूनी मामला सबके बाहर बाहरी मामला बना रहा हूँ कि ये जो नरम मरहम लेने गए थे अमित शाह जी से ले लिया, क्या अभी मदनी साहब गृह मंत्री से नहीं मिल सकते है क्या, नहीं कोई भी दलाल अपने मालिकों से मिल सकता है, मैंने कब मना किया, मैं मना किया क्या, आप एक आलिम दीन को दलाल कह रहे हैं, आलिम दीन होना, आलिम दीन क्या दलाल नहीं रहे पहले, आलिम दीन पहले दलाल नहीं रहे, दीन नहीं मजहब जो है हमारा, जो रसूल अल्लाह ने सिखाया है वो ईमान को ज़्यादा वैल्यू देता है, आपके अकीदे को ज़्यादा वैल्यू देता है, पढ़ाई लिखाई तो कोई भी कर सकता है। अभी आप देखिए जो बहुत सारे ज्यूज़ हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं, वो मुस्लिम जो थियोलॉजी है उसके ज़्यादा बड़े जानकार होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े जानकार होते हैं उनके, तो लेकिन उनमें ईमान की कमी होती है, वो उस पर जो पढ़ाते हैं, यही तो हमारे उलेमा कर रहे हैं, जो दलाल है वो क्या करते हैं, जो पढ़ाते हैं उस पर अमल नहीं करते। हम लोग को 10% पता है, इन लोगों को तो 100% पता है ना, लेकिन ये 100% का 100% अमल नहीं करते, लेकिन सर हम लोग 10% पता है उसमें से 5% अमल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा बाकी है, इंसाफ का जज्बा। सर आप वहाँ गए, आपने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो जिन पे ये हमला हुआ है, जो इसमें पीड़ित है, उनके लिए आप क्या करेंगे सर? अभी उन लोगों ने मुझे वकील अपॉइंट किया है, अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ, जो सब जगह किया वही अब किया है, अब होगा, दलाल भी पकड़े जाएंगे सारे, और जो सरकारी अधिकारी हैं
जो आरएसएस के दलाल हैं, मैं सारे दलालों को पकड़वाऊंगा इसमें। आप जिनको दलाल कहे, देश में कहीं भी हिंसा होता है, कहीं भी दंगे होते हैं, यही लोग जाते हैं उनकी खबरपोशी के लिए, उनकी राहतसानी के लिए, और उनकी जरूरतों को पूरा यही लोग करते हैं, और सब लोगों को न्याय से दूर रखने के लिए भी यही लोग जाते हैं कि जिसका जिसके लोग मर गए उसको जाके थोड़े बहुत पैसे दे दिए और ये कहा के देखो कुछ नहीं हो सकता, माहौल ख़राब है, आप ज़्यादा लड़ाई करोगे और आप न्याय मांगोगे तो और माहौल ख़राब होगा, आप चुप हो जाओ, ये काम करते हैं जाके। और जो पैसे बांटते हैं वो 1% होता है उसके, जो जो वो कलेक्ट करते हैं पूरी दुनिया से, तो ये उनका धंधा है, वो दलाल हैं, दलाल हैं, दलाल हैं और दलाली ही करते हैं। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।